गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास 7 स्टैंडर्ड, सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर 6, डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो मैं डॉक्टर विक्रम साराभाई ने क्वेश्चन मैंने लिखवाया, उसमें और भी कंटिन्यू चालू है, तो दो चार और शॉर्ट में क्वेश्चन है वो मैं आपको लिखवा देती हूँ। तो विक्रम साराभाई किन विषयों में दिलचस्पी रखते थे? विक्रम साराभाई जो थे वो किन किन विषयों में दिलचस्पी रखते थे? क्वेश्चन नंबर लिखिए, आज वन से करती हूँ। विक्रम साराभाई किन विषयों में दिलचस्पी रखते थे? विक्रम साराभाई किन विषयों में विक्रम साराभाई को गणित तथा भौतिक विषयों में गहरी दिलचस्पी थी? क्या थी? विक्रम साराभाई का आंसर मैं लिखेगा विक्रम साराभाई को भौतिक और विषयों में गणित दिलचस्पी थी। सेकंड में आएंगे हम, देखेंगे कि विक्रम साराभाई को भारत में किन वैज्ञानिकों के सानिध्य में मिला? विक्रम साराभाई को दूसरा क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई को भारत में किन वैज्ञानिकों का सानिध्य मिला? आंसर में आपका आएगा विक्रम साराभाई को भारत में सर सीवी विक्रम साराभाई को लिखेंगे विक्रम साराभाई को सर सीवी रमन तथा डॉक्टर भूमि भाषा
भाभा जैसे जैसे वैज्ञानिक से कौन सा आपका सही होगा। आपको ये चार ऑप्शन दिए जाएंगे कि गुजरात कॉलेज कहाँ है। ओके, चार ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन ए बी सी डी है, तो इसी से
उसका आंसर आपको यूनाइटेड क्या गांधीनगर है, नो बड़ौदा है, नो अहमदाबाद, नो सूरत, नो तो कौन सा है, क्या आप बता सकते हैं कौन सा है? तो हम कहाँ करेंगे, सी नंबर तीन कहाँ, अहमदाबाद। तो गुजरात का देश कहाँ है, अहमदाबाद। सेकंड में देखेंगे, विक्रम साराभाई ने BSc सेकंड क्वेश्चन में है, विक्रम की परीक्षा कहाँ पास की, परीक्षा कहाँ पास की। ओके, यहाँ भी आपका आएगा, चार ऑप्शन आएंगे यहाँ भी, ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में, ए लिखेंगे। रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थान क्वेश्चन नंबर है 1-2। ओके, तो इसमें आपको क्या आएगा, जैसे कि आपका यहाँ ऐसे पोस्ट में रहेगा तो चाहे तो ऑप्शन भी आ सकता है, जो फिंगरप्रिंट्स का जो मैटर होगा ना वो आंसर यहाँ पे यहाँ लिख भी सकते हैं, और अगर नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ वो भी ना हो और आपको अपने आप लिखना होगा। ओके, तो अपने नाम देखेंगे कि पहला क्वेश्चन आएगा आपका, डॉक्टर विक्रम साराभाई का परिवार एवं प्रतिष्ठित दल, डॉक्टर विक्रम साराभाई का परिवार लिखेंगे, डॉक्टर डॉक्टर विक्रम साराभाई के परिवार परिवार एवं प्रतिष्ठित डैश
पत्नी उनका कैसा भी डॉक्टर डॉक्टर विक्रम साराभाई के परिवार में 25वीं डेथ का परिवार था। तो कैसा था उनका परिवार? उद्योगपति, क्या लिखेंगे? उद्योगपति। ओके, कलरिंग चॉक से लिख गया है उद्योगपति। चलिए सेकंड देखेंगे हम। सेकंड में है डॉक्टर विक्रम साराभाई ने ब्रह्मांड तथा सौर मंडल डॉक्टर विक्रम साराभाई ने ब्रह्मांड तथा सौर मंडल सौरमंडल के कई डैश प्रश्नों का हल निकला। सौरमंडल के कई डैश प्रश्नों का हल निकला। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे है ना? जटिल। फिर मैं वर्ड आपको बता देती हूँ कि क्या आएगा और क्या है, फिर ऐसे लिखेंगे। थर्ड नंबर आएगा भारत सरकार ने डैश में एक प्रतियोगिता। भारत सरकार डैश ने एक प्रतियोगिता स्थापित की। क्या प्रतियोगिता स्थापित की? गुलमर्ग। ओके, चौथा है विक्रम साराभाई को डैश करनामे में प्रिय थे। विक्रम साराभाई को वहाँ डैश रहेगा, करनामे में प्रिय थे। तो कौन से करनामे में वो करते थे? कौन से करते थे? साहसिक करनामा करते थे, उसमें वो बहुत प्रसिद्ध थे। फाइव नंबर देखेंगे कि थुम्बा त्रिवेंद्रम में डैश की गति रुक जाने से डॉक्टर विक्रम साराभाई की मृत्यु हो गई थी। तो किसकी गति रुक जाने से उनकी मृत्यु हो गई थी? तो डैश की जगह पर क्या लिखेंगे हम? हृदय की गति रुक जाने की वजह से विक्रम साराभाई की मृत्यु हो चुकी थी, हो गई। ओके, तो अब नाउ स्टार्ट। आपको यह समझ में आएगा, फिर एक आएगा सही वाक्यांश को चुनकर उसका वाक्य पूरा कीजिए। जैसे कि वाक्य आ जाएगा वहाँ कपड़े को मिले खोलनी है ऐसे, फिर उसको वाक्य को आपको पूरा करना करना। चलिए हम देखते हैं। आज मैं आपको ऐसे लिखवाती हूँ ईद को। जैसे हमारे होली का त्यौहार आता है ना, जिसमें हम होली का त्यौहार खूब खुशियों के साथ मनाते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं और रंग बिरंग गुलाल होली खेलते हैं, उसी तरह इन लोगों का ईद का त्यौहार भी हमारे होली जैसा ही बहुत बड़ा त्यौहार है मुस्लिमों का। तो आज हम उनके बारे में कुछ लिखेंगे और चर्चा भी करेंगे और पढ़ेंगे कि उनका भी त्यौहार कितना इम्पोर्टेंट है और उनके त्यौहार में कितना आनंद आता है, वो भी हमारे जैसे मौज मस्ती करते हैं, है ना? तो हमें सबका तो ध्यान रखना पड़ेगा, तो हम उनके त्यौहार के बारे में भी जानेंगे। तो हमारा त्यौहार होली है, लेकिन उन लोगों का क्या त्यौहार है? ईद। तो ईद के बारे में हम कुछ लिखेंगे। चलिए ऐसे है ईद। ईद के बारे में लिखेंगे, तो ईद के बारे में लिखेंगे। ईद कौन मनाता है? मुस्लिमों का त्यौहार। ईद मुसलमानों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्यौहार है। लिखे ईद है ना,
ठीक है। फिर आगे हम लिखेंगे जिस प्रकार होली हिंदुओं के लिए, लिखे यहाँ जिस प्रकार होली हिंदुओं के लिए जिस प्रकार हिंदुओं के लिए मौज मस्ती से का त्यौहार है, उसी प्रकार मौज मस्ती मुसलमानों के लिए भी मानो के लिए मुसलमानों के लिए भी मौज मस्ती का त्यौहार है। त्यौहार है ईद शब्द का अर्थ होता है ईद शब्द का अर्थ होता है सामाजिक स्थिति परिवर्तन, सामाजिक स्थिति परिवर्तन। ओके, सामाजिक स्थिति परिवर्तन है ना। मुसलमानों का एक महीना उपवास, पूरा एक महीना मुसलमानों का पूरा एक महीना उपवास क्या होता है, पूरा एक महीना उपवास अर्थात रोजा रखते हैं, अर्थात रोजा रखते हैं। हमारे लिए होली, दिवाली, नवरात्रि ये सब कितना महत्वपूर्ण है, उसी तरह हर कास्ट के लोगों के लिए, हर लैंग्वेज वाले लोगों के लिए, हर सबके लिए अपना अपना फेस्टिवल अपना महत्वपूर्ण रखता है, इम्पोर्टेंट रखता है। ओके, तो हमने इसके बारे में देखा कि एक महीने से उपवास और रोजा रखते हैं। जब रमजान के महीने में 30 दिनों का उपवास पूरा कर लिया जाता है, जब रमजान के महीनों में
30 दिनों का उपवास यहाँ सजेस्ट कर देती हूँ। एक महीनों में 30 दिन का उपवास उपवास पूरा कर लिया जाता है तब उसके अगले दिन चांद देखने के लिए उसके अगले बाद अगले दिन चांद देखने के बाद उसके अगले दिन चांद देखने के बाद देखने बाद ईद का त्यौहार मनाया जाता है। देखने के बाद ईद का